Hello, this video lecture will talk about the concept of hierarchical routing protocols in ad hoc networks. So hierarchical routing protocols के अंदर क्या होता है, they introduce hierarchy in the network. कि जो network है आपका उसके अंदर hierarchy को introduce किया जाता है. अब उस hierarchy को introduce करने के फ़ायदे क्या हैं, benefits क्या हैं. So basically दो benefits होते हैं, एक तो है reduction in the size of routing tables. So reduction इन राउटिंग टेबल साइज, कि जो आपकी राउटिंग टेबल है उसका साइज कम हो जाएगा, सबसे पहला बेनिफिट. तो सेकंड बेनिफिट है बेटर स्केलेबिलिटी, कि जो आपका नेटवर्क है आप उसको बहुत इजीली और बहुत एफिशिएंट तरीके से स्केल कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. स्केलेबिलिटी का वो कॉन्सेप्ट होता है. सो जो हायरार्किकल राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है दैट इज हायरार्किकल स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, या जिसको हम बोलते हैं HSR. अब ये होता क्या है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी लेवल हायरार्किकल राउटिंग प्रोटोकॉल दैट एम्प्लॉयज क्लस्टरिंग एट डिफरेंट लेवल्स. अब इसके अंदर हम क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि सिमिलर नोड्स को एक क्लस्टर के अंदर रखना, एक सर्कल के अंदर रखना, एक ग्रुप के अंदर रखना. तो जो हायरार्किकल स्ट्रेट राउटिंग प्रोटोकॉल है या HSR है, उसमें हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम करते हैं और हर लेवल के ऊपर क्लस्टरिंग करते हैं. मतलब हर लेवल के ऊपर हम कुछ नोड्स का ग्रुप बनाते हैं. अब इस क्लस्टरिंग को करने से होता क्या है, इट एनहांसेस द रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट. कि जो आप नोड्स हैं अब उसको जब आप एक ग्रुप के अंदर रख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, तो जो रिसोर्स एलोकेशन है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए और जो मैनेजमेंट है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, वो करना एक तरह से ईजी हो जाता है और ज़्यादा एफिशेंट हम कर सकते हैं. अब हर लेवल के ऊपर एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट है कि हर लेवल के ऊपर एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है. नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग. एक होती है फिजिकल क्लस्टरिंग और एक होती है लॉजिकल क्लस्टरिंग. फिजिकल क्लस्टरिंग सिंपल होता है कि आप नोट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रख रहे हो. अब इसमें दो लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल और नेक्स्ट हायर लेवल. सो फर्स्ट लेवल किसके बीच होती है, इट इज़ डन अमंग द नोट्स. आगे आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इट इज़ डन अमंग द नोट्स दैट आर रीचेबल इन अ सिंगल वायरलेस हॉप. मतलब पहला लेवल तो उन नोड्स के बीच में कराया जाता है जो बहुत पास पास होती हैं, इसलिए मैंने कहा रीचेबल इन सिंगल वायरलेस होप. तो जो बहुत पास हैं एक दूसरे के, उनको एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं. अब हर ग्रुप में से हमने क्या कहा, एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है. सो नेक्स्ट हायर लेवल क्या होता है, इट इज़ डन अमंग द नोड्स डैट आर इलेक्टेड एज लीडर्स. सो इट इज़ डन अमंग द नोड्स that are elected as leaders. So देखो अब इसका मतलब ये ही नहीं है कि सिर्फ दो ही लेवल होते हैं. अब देखो जैसे ये कि पहला लेवल सपोज ये है, मेरे पास तीन नोड्स हैं मैंने बना दिए, इसमें से मैंने इसको लीडर सेलेक्ट किया, इसमें से मैंने इसको लीडर सेलेक्ट किया, तो इन दोनों को मिला के एक नया ग्रुप ऊपर बन जाएगा. ठीक है, सो ऐसे ही ये ऊपर की तरफ जाता जाता है. सो दैट इज फिजिकल क्लस्टरिंग. अब लॉजिकल क्लस्टरिंग क्या होती है, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए. सो इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन रिलेशंस अमंग द नोड्स रादर देन देयर ज्योग्राफिकल पोजीशन. फिजिकल में क्या था, ज्योग्राफिकल पोजीशन थी. लॉजिकल में क्या, कोई रिलेशन है आपस में. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ हायरार्किकल स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. सो अब देखते हैं कि मल्टी लेवल पे क्लस्टरिंग होती कैसे है. सो लेट अस से मेरे पास ये तीन क्लस्टर मैंने यहाँ पे बना रखे हैं. दिस इज़ लेवल वन, ये लेवल वन है, फर्स्ट लेवल है जहाँ पे हमने जो सबसे पास है उनको एक क्लस्टर के अंदर रख दिया. अब सपोज दिस इज़ क्लस्टर वन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्लस्टर वन है, दिस इज़ क्लस्टर टू एंड दिस इज़ क्लस्टर थ्री. अब इसमें कुछ नोड्स हैं, लेट अस से इस नोड का नंबर है वन, इसका नंबर है फाइव, इसका नंबर है सिक्स और इसका नंबर है सेवन. तो ये नोड्स एक क्लस्टर सी वन के अंदर हैं. अब हो सकता है कि कोई नोड दोनों क्लस्टर के अंदर भी आ रही हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है.
So let us say this is node number 12, this is node number 2, this is node number, you can say 8, and this is node number 4, and this is node number 11. So kuch is tarah se hamare paas abhi level 1 mein hai, jahan pe humne different nodes ko different clusters ke andar dal diya. Ab har node pe hum kya karte hain, ek leader ko elect karte hain. So this is the leader of cluster 1, this is the leader of cluster 2, and this is the leader of cluster 3. तो जो अगला लेवल होगा दैट इज लेवल 2, उसमें क्या होगा, उसमें क्लस्टरिंग होगी किसकी, जो लीडर सिलेक्ट हुए हैं यहां से, दैट मींस नंबर 1. सो हो सकता है कि वो वहां पे आके लीडर ना हो, तो उसको हम सिंपल नोड से डिनोट कर देंगे, दैट इज 1. देन नंबर 2, लेट अस से मैंने इसको भी यहां पे लीडर सिलेक्ट किया है, एंड नंबर 4. And suppose this is also the leader. ठीक है, so अब clustering किस किसके बीच में हो रही है, जो first level के leaders थे. So let us say एक cluster हमने बनाया ये वाला, जहाँ पे node 1 और node 2 है, और एक cluster मैंने simple इसको बना दिया अलग, जहाँ पे node 4 है. अब जब ऊपर की तरफ जाएगा दोबारा, let us say level 3 यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो वहाँ पे किस किसके बीच cluster बनेगा, सिर्फ इन दो nodes के बीच में, that is node number 2, let us say wo ab head nahi hai, and node number 4. So this is the cluster between node 2 and node 4 at level 3. Matlab har upar ke level pe kiske beech mein clustering hoti hai, jo previous level ke heads the ya leaders the. So that is how the clustering is done in HSR. Ab different types ki nodes hoti hain, cluster head hote hain, gateway nodes hoti hain, internal nodes hoti hain. So, अब देखो इनके बारे में आपको बता देता हूँ. क्लस्टर हेड क्या होते हैं, दे एक्ट एज ए लोकल कोऑर्डिनेटर ऑफ ट्रांसमिशन विद इन द क्लस्टर, या फिर जो सिलेक्ट होता है, जो क्लस्टर हेड सिलेक्ट होता है वो होता है, मतलब जो हर लेवल पे हम एक नोड को एज ए लीडर इलेक्ट करते हैं वो क्लस्टर हेड होता है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेवल 1 पे कौन कौन से हैं, 1 देन 4 एंड 2. सो 1, 4, 2 क्या है, क्लस्टर हेड्स हैं. ठीक है, देन वी हैव दिस गेटवे नोड, दे बिलोंग टू 2 और मोर क्लस्टर्स, दे बिलोंग टू 2 और मोर क्लस्टर्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा क्लस्टर्स के अंदर ये बिलोंग करते हैं. सो अब देखो यहां पे गेटवे नोड कौन कौन सी हैं, और ये नोड्स देखो आपस में कनेक्टेड होंगी, ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड नहीं होंगी तो कैसे काम करेंगी. So they are connected somehow. Let us say इस तरह से connected हैं, ठीक है ना. So gateway nodes कौन कौन सी हो गई, जो 2 या 2 से ज्यादा clusters को belong करती हैं. तो यानी देखो node number 6, then we have this node number 7. So node number 6 and 7 are the examples of gateway node. उसके बाद बात आती है इंटरनल नोड की. सो इंटरनल नोड्स कौन सी होती हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल नोड्स, दे बिलोंग टू अ सिंगल क्लस्टर. सो दे बिलोंग टू अ सिंगल क्लस्टर. तो यहां पे कौन कौन सी हो गई, 5 हो गई, 12, 8 एंड 11. So 5, 12, 8 and 11 are the examples of internal nodes. ठीक है, so अब इनकी कुछ properties होती हैं, जैसे cluster head जो है उसकी सबसे ज़्यादा property होती हैं, उसकी कुछ responsibilities होती हैं. So सबसे पहली जो responsibility है cluster head की, that is to allocate slot, frequency एंड कोड एलोकेशन, कि स्लॉट फ्रीक्वेंसी और कोड एलोकेशन को एलोकेट करना. देन सेकंड इज कॉल एडमिशन कंट्रोल एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शेड्यूलिंग ऑफ पैकेट फॉर ट्रांसमिशन, शेड्यूलिंग पैकेट ट्रांसमिशन बेसिकली.
ठीक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लस्टर नोड. नाउ देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहली बात तो जो आपको यहाँ पर देख के भी लग रही होगी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, जो भी राउटिंग जो परफॉर्म हो रही है, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ दिस क्लस्टर हेड्स. सो दिस क्लस्टर हेड्स कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज द टोपोलॉजी एंड लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन एट एनी लेवल. ठीक है. सो क्लस्टर हेड क्या करेगा, इस गेटवे नोड 6 को अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेगा और जिसके थ्रू वो यहाँ तक चली जाएगी. ऐसे ही रिटर्न में ये भी अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेगा जो यहाँ पे आ जाएगी. सो दिस इज व्हाट एक्सचेंज ऑफ टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रही है, वाया गेटवे नोड्स. मैं GN लिख रहा हूँ गेटवे नोड को. सो वाया गेटवे नोड. ठीक है. देन द पाथ बिटवीन टू क्लस्टर्स हेड्स, जैसे ये वाला और ये वाला, दैट इन्वॉल्व मल्टीपल लिंक्स. जैसे कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, 1 से 6 एंड 6 से 2, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड एज वर्चुअल लिंक. ठीक है. सो दैट मीन्स दिस पाथ फ्रॉम 1 to 6 एंड 6 to 2, दिस इज वॉट, दिस इज वर्चुअल लिंक. और ये वर्चुअल लिंक बेसिकली क्या है, हेड गेटवे एंड हेड, हेड गेटवे हेड. सो दिस इज वर्चुअल लिंक. सो इन दिस वे द इंटायर HSR वर्क्स. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.